हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल महागुरुज.com में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी सेल को डाउन फिलिंग कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो दोस्तों, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे सेल नंबर D5 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, होम में क्लिक करेंगे और इस एडिटिंग ग्रुप में जाने के बाद फिल में क्लिक करेंगे और ऑप्शन आएगा हमारे पास डाउन, बस क्लिक करेंगे उसमें। क्लिक करने के साथ ही तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 5 नंबर जो था इसके ऊपर, वो जो सेलेक्ट हमने किया था सेल उस पे डाउन फिल हो चुका है। तो इसको करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट्स भी है गाइस। तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल ऑफ सेल इस बार, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यूज करेंगे शॉर्टकट Ctrl+D। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो सेल हमने सेलेक्ट किया था वो इस फर्स्ट वाले सेल पे सारा फिल हो गया है, मतलब ये सारा का सारा 5 हो गया है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज़ के लिए हमारे वेबसाइट महागुरुज.com पे विज़िट करें। थैंक यू।